हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। माय नेम इज चेतना। जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं यूएसए में रहती हूँ, नॉर्थ कैलिफोर्निया में। तो आज मैं आपको एक एम्प्टी हाउस टूर देने वाली हूँ, 2 BHK का अपार्टमेंट टूर। अभी हम लोग 1 BHK में रहते हैं, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि 2 BHK में वो जाते हैं। एक्चुअली अभी हम लोग 3rd फ्लोर में रहते हैं, तो हम लोगों को काफ़ी कंप्लेंट आती है। यहाँ के घर जो हैं वो वुडन के बने होते हैं, तो अनव रन करता है, वॉक करता है, तो जो हमारे फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं उनके घर से बहुत कंप्लेंट आती है। तो वही रीज़न है मेन हमारा घर स्विच करने का। तो अभी हम लोग 1 BHK में रहते हैं, तो अभी हम लोग 2 BHK देख रहे हैं। तो हम अपनी सोसाइटी में वहीं पे देख रहे हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं लीजिंग ऑफिस, वहाँ से हम की लेंगे, फिर मैं आपको हाउस टूर देती हूँ 2 BHK अपार्टमेंट का। तो चलिए हमारे साथ। तो गाइज ये है लीजिंग ऑफिस। तो भुवन जा रहे हैं अंदर कीज़ लेने के लिए। तो गाइस ये है हमारी कम्युनिटी। तो गाइज ये ऐसे यहाँ से एंट्रेंस। तो ये है ग्राउंड फ्लोर। एक फ्लोर पे 4 घर हैं, 1, 2, 3, 4। हम लोग जा रहे हैं इसमें। तो यहाँ से एंट्रेंस पे ये क्लोजेट, फोर्थ क्लोजेट। देख नहीं, उस वाले घर में ना ये नहीं था, इधर वाले में ना ये नहीं था, सिर्फ ये था। सेम एग्जैक्ट है, ये थोड़ा तोड़ा है। आप देख लेना, अभी देख लेना, यहीं पर तेरी हाइट आ रही है ना, अभी देख लेना, देख लेना। तो गाइज ये एंट्रेंस करके एक कोट क्लोजेट है, और ये एक छोटा सा वर्किंग स्पेस दे रखा है जो काम का नहीं होता है। और ये वर्किंग स्पेस के ऊपर ड्रॉर्स हैं, आप सामान रख सकते हो। सेम है, और बस यहाँ पे एंट्रेंस पे इतना स्पेस है ना। इसके बाद एंट्रेंस के बाद अगर मैं इस साइड में जाते हैं तो ये है बाथरूम। और बाथरूम में भी एक ये स्पेस है, आप इसमें अपने कपड़े या कुछ सामान रख सकते हो। ये सेम हमारे जो अभी अपार्टमेंट है उसमें ही बाथरूम में क्लोजेट रहता है। और ये मैं आई चलो, और ये है एक्स्ट्रा रूम, 1 रूम ये है। ये बाहर से यहाँ का व्यू, इस रूम का ये क्लोजेट। तो यहाँ पे ऐसे ओपन क्लोजेट रहते हैं। तो गाइस ये जो पूरा घर है वुडन फ्लोरिंग है, तो ये है पूरा एक रूम ना। फिर हम यहाँ से जाते हैं, तो वहाँ से हमने एंट्रेंस किया था, ये बाथरूम है, और ये है हॉल। और ये है डाइनिंग एरिया। ये थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, वो बड़ा लग रहा था। और ये किचन। तो ये फ्रिज,
हाँ है ना पानी वाला। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को ओवन, फ्रिज और डिश वॉशर सोसाइटी देती है, और ये है किचन की पैंट्री। ये तो उतना ही, इतना पुराने घर में उतना ही एग्जैक्ट। और ये है वॉशर और ड्रायर। मयूरी जैसा ये वाला। और यहाँ से बालकनी, और ये सोसाइटी। ठीक है, बाहर तो सही है। हाय बेटा। और तो गाइस यहाँ से एंट्रेंस थी, तो जस्ट अगर आप सामने जाओगे तो है मास्टर बेडरूम। तो ये मास्टर बेडरूम में पहले है बाथरूम, सेम बस यहाँ का थोड़ा बाथटब बड़ा है। और यहाँ पे भी क्लोजेट है। और ये है मास्टर बेडरूम पूरा, और ये वाला मास्टर बेडरूम का क्लोजेट। लाइट, तो ये भुवन यहाँ पे ना बाहर ही यूनिट की आवाज आती है। अब अंदर आती नहीं आती मुझे नहीं पता, बट आती है। क्या हाँ बाथरूम देख रहे हो आप? क्या दोबारा बोलो। ये ना बता रहा गाइस आपको, बताओ। ओके आपको, हाँ तो गाइस बस इतना ही घर है। ये मैं हॉल में उस वक्त, तो गाइज ये एक और अपार्टमेंट है जो हम लोग देख रहे हैं। तो ये वाला जो अपार्टमेंट है ये है फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये सेम एग्जैक्ट सेम है, यही क्लोजेट है, ये वर्किंग डेस्क एरिया जो उस वाले अपार्टमेंट में था। और यहाँ पे जैसे उस वाले अपार्टमेंट में एंट्री करके था मास्टर बेडरूम, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी मास्टर बेडरूम है, सेम बाथरूम, सेम सब कुछ। बट इसमें डिफरेंस क्या है, आपको मास्टर बेडरूम में कारपेट मिलेगा जो ये लगा हुआ है, सेम क्लोजेट है। और आपको जो दूसरा जो बेडरूम है उसमें भी आपको कारपेट मिलेगा, बट और ये बाथरूम। बट जो लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया सेम एग्जैक्ट है, ये भी सेम पैटर्न है, बट आपको वहाँ पे वुडन फ्लोरिंग मिलेगी क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे है, इसलिए आपको बेडरूम में कारपेट मिलेगा। अदरवाइज अगर ये हम लोगों ऐसे पुराने वाला घर, तो गाइज मैंने आपको दूसरा वाला घर ढंग से नहीं दिखाया क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही था। भुवन को काम करना है ऑफिस का, तो वो बस हाफ आनर का ब्रेक लेके आया था, तो वो जस्ट लीजिंग ऑफिस में चाबी रिटर्न करके घर चला जाएगा। मैं अनफ को नीचे थोड़ा सा वॉक और गार्डन लेके जा रही हूँ, खेल लेगा।
तो दोनों घर में बस यही डिफरेंस था, जो पहले मतलब जो घर मैंने आपको दिखाया था उस पूरे घर में थी वुडन फ्लोरिंग, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे था। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे घर लेते हो तो आपको पूरा कंप्लीट वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे घर लेते हो तो यहाँ पे आपको जो बेडरूम रहेंगे दोनों उसमें आपको कारपेट मिलेगा, और हॉल और डाइनिंग एरिया में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। मतलब मुझे, हम लोग भी जहाँ 1 BHK में रहते हैं पूरे घर में कारपेट ही है, बट मुझे कारपेट इतना अच्छा नहीं लगता है पर्सनली बच्चे के साथ, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है। अनफ कभी कुछ खाता है तो गिर जाता है और स्टेन लग जाते हैं, और जब आप घर खाली करते हो ना तो फिर वो लोग इसके चार्जेस भी कट करते हैं कि आपने कारपेट कितना गंदा किया, क्या किया है, उसे क्लीन करना भी बहुत मुश्किल होता है। आप खुद से घर पे आपको या स्टीम मॉप खरीदना पड़ेगा, अगर आपके पास स्टीम मॉप नहीं है तो आपको फिर बाहर से बुलाना पड़ेगा क्लीन करने के लिए। कारपेट में डस्ट बहुत जल्दी बैठती है। हम लोग के पास वैक्यूम क्लीनर, हम उससे क्लीन तो करते हैं बट नहीं हो पाता। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि वुडन फ्लोरिंग ज़्यादा सही रहती है। बट हाँ, विंटर पे फ्लोर काफ़ी ठंडा हो जाता है तो कारपेट रहता है तो इतना सॉक्स पहनने की नीड नहीं रहती है। तो दोनों चीज़ें हैं, प्रो एंड कॉन्स दोनों हैं। तो हमको अभी फ़िलहाल वो वुडन फ्लोरिंग वाला ही घर ही चाहिए, कारपेट वाला नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं ना, पूरे कारपेट पे जगह जगह काफ़ी सारे स्टेन्स हो, कहीं पे इसने कलर गिरा दिया, कहीं पे खाना गिरा दिया है, तो बहुत दिक्कत होती है। आप वुडन फ्लोर वाला घर लेकर उसमें आप कारपेट खरीद के लगा सकते हैं जहाँ पे आपको लगाना है। तो दैट्स इट गाइस, बस इतना ही था, यही मेरे को आपके साथ शेयर करना था। तो बहुत जल्दी हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं 2 BHK में। जब हम मूव करेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये अनफ गार्डन में खेलने के लिए आया है। तो ये साइड का गार्डन है, मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया है, मैं फिर से आप लोगों को एक बार और दिखा देती हूँ जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को। तो गाइज ये है गार्डन। ये गार्डन भी बहुत जल्दी रेनोवेट होने वाला है क्योंकि काफ़ी छोटा सा है और इसके जितनी भी राइट्स हैं सब बहुत पुरानी हो गई है। तो इसके लेकर भी कल मीटिंग हुई थी यहाँ पे। तो जो ये वाला एरिया है ये भी अंदर कवर करेंगे शायद लोग, काफ़ी थोड़ा भरा बनाएंगे। एक मिनट, अनफ कुछ बोल रहा है। यस अनफ, ओ इट्स डर्टी, तो आप इसमें प्ले कर लो ना, इस वाला ही क्लीन है। हाँ यहाँ से चले जाओ, यहाँ से भी आप कर लो स्लाइड। हाँ ओके, टनल देख लो जाओ। तो गाइज ये वाला जो बच्चों का जो प्ले एरिया है, ये लोग पूरा इसको रेनोवेट करने वाले हैं, तो होप कब ये होता है। तो देखो कितना टाइम लगता है इस गार्डन को रेनोवेट होने में। रेनोवेट हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि समर्स पास आ रही है, बच्चों की वेकेशंस आएंगी, तो बच्चे बहुत सारा टाइम यहाँ पे अपना स्पेंड करते हैं। तो रेनोवेट हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गाइज़ हाँ, मैं आप लोगों के साथ रेंट भी शेयर कर देती हूँ। तो अभी हम लोग रहते हैं 1 BHK में, तो 1 BHK का रेंट हम लोग पे कर रहे हैं $1500 मंथली। अभी हम लोग देख रहे हैं 2 BHK, तो हमने दो घर देखे हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पे है, जो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो हम लोग वैसे ग्राउंड फ्लोर ही लेने वाले हैं। जो ग्राउंड फ्लोर का जो रेंट है, दोनों का रेंट डिफरेंस है, तो ग्राउंड फ्लोर का जो रेंट है वो है $1790 मंथली, और जो फर्स्ट फ्लोर पे है उसका रेंट है $1750 मंथली। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये हम लोगों ने जो रेंट पता किया है डायरेक्ट लीजिंग ऑफिस में जाके पता किया है, और हम लोग रेनोवेट अपार्टमेंट ले रहे हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे जो हमारा लीजिंग का जो टाइम है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अगस्त में ख़त्म होगा, बट हम लोग रेनोवेट अपार्टमेंट ले रहे हैं तो हमारा लीज ट्रांसफ़र हो जाएगा जो हम लोगों ने पेमेंट किया हुआ है। अगर इस सोसाइटी में हम पुराना कोई घर देखते जो रेनोवेट नहीं हुआ है तो हमारा लीज ट्रांसफ़र नहीं होता, हमारे पैसे अटक जाते, तो इसलिए हम लोग रेनोवेट अपार्टमेंट ही देख रहे हैं। तो अगर आप इसकी वेबसाइट, यहाँ पे लोग वेबसाइट पे जाके भी घर चेकआउट करते हैं कि कितना रेंट है, क्या है, तो आपको रेंट डिफरेंट दिखेगा। तो रेंट ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब यहाँ पे वीकली क्या डेली बेसिस पे रेंट ऊपर नीचे होता रहता है, रेंट सेम नहीं रहता है। तो फिलहाल अभी ये रेंट है जो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ, हमें जो उन्होंने बताया है। अगर आज घर हम लोग बुक कर देते हैं ये घर, तो हमको रेंट देना है $1790 मंथली, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड रहते हैं, वो इंक्लूडेड नहीं है। एक मिनट गाइस, हाँ स्विंग करना है, वेट ओके, गिव मी 2 मिनट्स। तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अब तक ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।